सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबक्षु और अभिमन्यु की स्टोरी अपने आखिरी मोड़ पर आ चुकी है, जहां इन दोनों का ये जो ड्रामा है खत्म होते नजर आएगा। बात हम इस शो की नहीं कर रहे हैं बल्कि अक्षु और अभि के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं, इनके बीच जो डिफरेंसेस हैं उनकी बात हम कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द ख़त्म होते नज़र आएंगे। दरअसल अक्षु और अभि फ़िलहाल एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, जहां अभिमन्यु अक्षरा को पूरी तरह गलत समझ रहा है और इस वजह से उसने डाइवोर्स भी फाइल कर दिया है। लेकिन अक्षु कायरव की मदद से अपने आप को बेगुनाह साबित करने में कामयाब होगी। कायरव को जब पता चलेगा कि अभी ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो कायरव सोचेगा कि उसके चक्कर में उसकी बहन क्यों पिसे। इसीलिए अब सारे सबूत इकट्ठे करके खुद कायरव ही अभिमन्यु को दिखाएगा और असली विलन और पूरे सच से रूबरू कर पाएगा, जिसके बाद अभिमन्यु को अपनी गलती का एहसास होने वाला है और वो सीधा जाकर सबसे पहले तो डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स रोकेगा और उसके बाद अक्षु से माफ़ी मांगता हुआ आएगा नज़र। तो कुल मिलाकर अब अक्षरा और अभिमन्यु के बीच जो ये डिफरेंसेस थे, जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो अब बहुत जल्द ख़त्म होती नज़र आएंगी और इन दोनों का महामिलन देखने के लिए मिलेगा। ये दोनों मिलकर दशहरे वाले दिन अंत करेंगे उस असली विलन का, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो इंतज़ार रहेगा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाले इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का।